हमारे LG ब्रांड की 8 kg की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। 5-star वॉशिंग मशीन प्लस 2 years ब्रांड की वारंटी है और अमेजिंग वॉशिंग क्वालिटी है, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद कैसे इसको यूज़ करना है और उसके साथ साथ क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन आपको रखना है। सबसे पहले डोर ओपन करेंगे तो हमें इसका थर्मोकोल दिखेगा, थर्मोकोल को हमें निकाल देना है क्योंकि ग्लास सेफ्टी के लिए लगा रहता है जब भी वॉशिंग मशीन ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद अंदर आपको एसेसरीज जो ब्रांड की तरफ से मिलते हैं, उसमें आपको इनलेट पाइप होता है जो वॉशिंग मशीन में वॉशिंग के लिए पानी लाने के लिए काम करता है, आउटलेट पाइप होता है जो कि पानी ड्रेन आउट करता है, तीसरा रैट मैच होता है जिससे अंदर की वायरिंग को चूहे ना काटके, एक पावरफुल पल्थिएटर होता है जो कि वॉशिंग क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, फिल्टर होता है जिसको आपको निकाल के मंथ में 1-2 days में निकालना। ये गिर्री जो लगी होती है वो जितनी तेज स्पीड से घूमती है उतनी ज़्यादा स्ट्रेन जो है कपड़े से निकालती है। और डॉट डॉट जो आपको लाइनिंग दिख रहे ये भी वॉशिंग क्वालिटी को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीज़ करता है। ड्रम के अंदर जो स्लॉट्स बने होते हैं वो भी वॉशिंग क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, उसके लिए ये वॉशिंग मशीन बहुत ही बढ़िया। LG की 8 kg की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। अभी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पानी ऑन कर लेना है, ठीक। पानी आपका ऑन हो गया, दूसरा आपको लाइट ऑन कर लेनी है, यहाँ से स्विच, ठीक है। इसके बाद आपको डोर ओपन करना है और कपड़े इसके अंदर डाल देने हैं। जैसे पूरा ड्रम है 100% में आपको 70% फिल करना है और 30% खाली रखना है। ऑलमोस्ट आपको इतना जो है कपड़े डालने हैं इसके अंदर, लमसम आपको बता दीजिए क्या इनका, ठीक है ठीक है, आ जाइए बता दूंगा, ठीक है। इसमें जैसे 100% में आपको 70% कपड़े यहाँ तक आपको फिल कर देने हैं, ठीक। कपड़े डालने के बाद यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डाल देना है। अगर आपके पास लिक्विड वाला है तब बहुत अच्छा है, और पाउडर वाला है तभी भी आप डाल सकते हो। पाउडर वाले में थोड़ा यही होता है कि नीचे थोड़ा सा कभी कभी आपने देखा होगा कि पाउडर रह जाता है, कपड़े में लग के आता है। तो अगर लिक्विड आप डालोगे तो 100% आपका मिक्स हो जाएगा। डिटर्जेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे बंद कर देना है। और शॉर्पनर डालना है तो आपको यहाँ पे डालना है, अगर आला आपको डालना है तो यहाँ पे डालना है, ब्लीचिंग अगर यूज़ करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे डालना है। ये आपका जेट स्प्रे है, जब भी आपके कपड़े वॉश होते रहेंगे तो ऊपर से ऐसा स्प्रे करता रहेगा जिससे कि कपड़े के अंदर जो आपके रिंकल्स, कपड़े के अंदर जो डस्ट होते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर से पानी धीरे धीरे लगेगा तो उसकी वजह से ये जो है नीचे जो है मिट्टी जो है छन के जाएगी और क्लीनिंग जो है बहुत बढ़िया क्लीनिंग करेगा। और बाकी ये आपका एक फ़िल्टर लगा हुआ मैजिक फ़िल्टर, जब भी आपका ये वॉश कम्प्लीट हो जाएगा तो इसको आपको निकाल के साफ़ कर देना है पूरा कम्प्लीट होने के बाद 1-2 दिन या 3 दिन में एक बार, और फिर लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे ही करके ये कर देना है। कपड़े डालने के बाद आपको इसको ऐसे स्मूथली छोड़ देंगे तो आपका ये बंद भी हो जाएगा, ये बंद हो गया, ठीक। अब यहाँ से जैसे 1 time आप प्रेस करेंगी तो आपका ये वॉशिंग मशीन जो है ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इस वाली बड़ी वाली बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका वॉशिंग मशीन चालू हो गया। जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो आपका ये DE का मतलब डोर ओपन हो गया है, और फिर जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो उसी जगह से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपके रोज़मर्रा के जो बेसिक सबसे सिंपल रहता है वो ऐसे रहते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी इसमें अलग से जैसे यूज़ करना है कि इसमें अलग से आपके कपड़े के प्रोग्राम्स हैं तो कैसे करना है, फर्स्ट आपने यहाँ से ऑन किया, वॉशिंग मशीन आपकी ऑन हो गई। ऑन होने के बाद ये सारा आपका वॉशिंग का प्रोग्राम रहता है, नॉर्मल है जो रोज़मर्रा के कपड़े हैं, तो आपने प्रेस किया नॉर्मल आ गया। टर्बो वॉश है, कम समय के अंदर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम रहेगा, लाइट वेट रहेगा, तो इसमें आपको उस टाइप के कपड़े वॉश करने हैं। क्विक वॉश अगर कम कपड़े हैं और आपको जल्दी चाहिए, ये यहाँ से जैसे फर्स्ट आप यहाँ से ऑन प्रेस करेंगे आपका ऑन हो जाएगा। नॉर्मल अगर कपड़े हैं तो जैसे स्टार्ट करेंगी नॉर्मल आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर कपड़े डिफरेंट टाइप के हैं तो यहाँ से जैसे आप ये वाली बटन से, दो बटन है ना, प्रेस करेंगे तो आपका टर्बो वॉश आ जाएगा। कम कपड़े हैं उसके लिए आप क्विक वॉश यूज़ कर सकते हैं, 2 kg तक के कपड़े, और जैसे जीन्स हो गया मोटे कपड़े हैं उसके लिए आप ये स्टोन यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक नॉर्मल वॉश है, नॉर्मल वॉश के साथ प्री वॉश है। जैसे आपके घर में पर्दे उड़ते हो गए तो बहुत गंदे होते हैं, आप 2-3 महीने में एक ही बार वॉश करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे नॉर्मल वॉश प्लस प्री वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्री वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिटर्जेंट यहाँ पे 2 बार डालना पड़ेगा, ठीक। एक बार आप डालेंगे फिर दोबारा जो एक बार फिर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा वाला जिसके नीचे आपका इक्वा रिजर्व है, सिर्फ इसमें आपके कपड़े वॉश होंगे और रिंस होंगे, इसमें कपड़े आपके स्पिन नहीं होंगे।
अभी आपका जेंटल में आपको ऊनी कपड़े हो गए, साड़ी हो गई, पार्टी वेयर के कपड़े हो गए, ये सारे कपड़े आपको इसमें करना है। अगर ब्लैंकेट भी आप वॉश कर रहे हैं तो आपको इसी में वॉश करना है। बाकी आपको नॉर्मल और ये वाले में अगर स्ट्रॉन्ग में आप यूज़ करोगे तो ब्लैंकेट जो एक तो मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, अनबैलेंस करेगी और तकलीफ करेगी, इसके लिए आपको ये करना है जेंटल। लास्ट में आपका यहाँ पे नीचे का टब क्लीन है, अभी लगातार अगर इसके अंदर आपने कपड़े जो है एक महीने तक धोले हैं तो एक बार आपको खाली इसको चला देना है। ऑन करके सीधा इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे टब क्लीन। टब क्लीन में आपको 1 घंटा 44 मिनट का टाइम लेगा और ये अंदर का पूरा ड्रम जो है, ड्रम के अंदर मिट्टी लगे हुए हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, रेसे हैं, धागे हैं, सारी चीज़ को हटा के ड्रेन आउट कर देगा। तो जब ये टब क्लीन करेंगे तो इसमें क्या बोलते हैं, ये डिटर्जेंट डालेंगे? डिटर्जेंट नहीं डालना, इसका डे स्केलिंग पाउडर आता है वो आप डाल सकते हो, या ये आपका बेकिंग सोडा हो गया या व्हाइट विनेगर है उसको करके वो कर सकते हो। बाकी ये तो आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद जैसे पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में आपको कुछ चेंजेस करना, जैसे आपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग ले लिया और स्ट्रॉन्ग लेने के बाद आपको इसमें करना है कि आपको वाटर लेवल कितना चाहिए, बाय डिफॉल्ट वो सब कुछ सेट करेगा बट आपको अपने हिसाब से कुछ सेट करना है तो जैसे वाटर का लेवल आपको कितना रखना है अपने हिसाब से रख सकते हो। ये वॉश का यहाँ तक तो आपको 25 मिनट, 3 मिनट से 25 मिनट तो सिर्फ आपका ये वॉशिंग करता है, 3 मिनट से 25 मिनट। अगर वॉश के साथ अगर कभी कभी कपड़े आपको भिगा के भी रखना है तो ये आपका लिखा हुआ है सॉक, इसको एक्टिवेट करने के लिए जब भी यहाँ से 25 से अगेन प्रेस करेंगे तो आपका 15 मिनट का सॉकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। फिर अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से 25 मिनट हो जाएगा, फिर आपका 35 मिनट हो जाएगा, 31 मिनट हो जाएगा और 45 मिनट एक टोटल है। जैसे ही यहाँ से कम हुआ ये आपका बंद हो गया। ठीक, उसके साथ साथ जो आप कपड़े खंगाल रहे हो कितनी बार, एक बार चाहिए या दो बार चाहिए, पहले हम लोग वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उस कपड़े को हम एक बार पानी में डिप करके एक बार निकालें तो हमारा एक बार रिंस होता है, दो बार करेंगे दूसरे साफ पानी से दो बार होगा, तो कितनी बार करना है, एक या दो बार नॉर्मली रहता है, लेकिन फिर भी कभी आपको लग रहे हैं कि कपड़े में डिटर्जेंट लग के आ रहे हैं तो इसको आप 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका ड्राई का स्पिन, जो कपड़े आपके सूख के निकलेंगे ऑटोमेटिक सब करेगा बट आपको इसमें अपने हिसाब से अगर करना है कुछ सेटअप तो उस टाइम पे लो अगर स्पिन चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई चाहिए तो उसको आप कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है एक बज़र है, जैसे अभी हमने वॉशिंग मशीन को ओपन किया तो एक बज़र बज रहा था टू टू, मतलब ये टू टू का, उसको हाई चाहिए तो हाई है, लो चाहिए तो आप लो पे कर सकते हो और यहाँ पे ऑफ करना है तो आपका ये जो बज रहा था वो नहीं बजेगा। बाकी ये आपका कपड़े का जो कपड़े के अंदर सॉइल है वो कैसा है, हैवी है तो आपको हैवी पे करना है, नॉर्मल है तो आप नॉर्मल में कर सकते हैं, लाइट वेट है तो इस पर आप कर सकते हो ये चीज़ के लिए। अब इसमें जैसे आपका एक एक्स्ट्रा फंक्शन से एयर ड्राई का और उसके साथ साथ आपका डिले है। एयर ड्राई तभी यूज होता है जैसे आपके कपड़े ड्राई हो गए, फिर भी आपको लगता है कि हमारे कपड़े जो है कम अच्छे ड्राई हुए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से ऑन करना है, डायरेक्टली एयर ड्राई की बटन प्रेस कर देना है तो आपका सभी बंद हो गया यहाँ से, सिर्फ एयर ड्राई सिर्फ 30 मिनट जो है कपड़े सुखाएंगे, फिर अगेन आपका प्रेस करेंगे तो ये 1 घंटे ड्राई करेगा और ये 1 घंटा 30 मिनट और उससे ज़्यादा चाहिए 2 घंटे हैं। तो इसमें ये जो इसका जो पर्पस होता है इसका ड्राई का वो ये रहता है कि कपड़े जैसे इसमें सूखे अगर और ज़्यादा आपको ड्राई करना है तो आप कर सकते हो। बाकी ये डिले की बटन है, डिले की बटन का यूज़ का क्या रहता है, जैसे पर्टिकुलर आपको प्रोग्राम को कितने घंटे आपको डिले करना है तो यहाँ से आप जैसे डिले करेंगे तो आपका 3 घंटा 4 घंटा जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इतने घंटे के बाद ही मशीन काम करेगी। जैसा होता है ना कि हमारे यहाँ जो पानी आता है वो 4 घंटे बाद आता है, जैसे कहीं कहीं होता है कि इतने बजे पानी आने का टाइम है, आदमी घर पे नहीं है, आपका हस्बैंड वाइफ वर्किंग में है तो वो क्या करते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिलेक्ट करके 5 घंटे का डिले लगा के स्टार्ट कर दिया, जब ये डिले का टाइम ख़त्म होगा यहाँ पे वो मशीन चालू हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो आपका पूरा प्रोग्राम हो, उसके बाद जब भी कपड़े आपके हो जाएं कंप्लीट तो आपको निकाल के ये डोर को ऐसा ओपन करके एक 10 मिनट के लिए खाली छोड़ देना है। और ये फिल्टर का तो हमने आपको बताया कि ये वाला आपको निकाल के अब इससे साफ करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा कि रेसे धागे जो है, नहीं तो यही रेसे धागे आपके कपड़े में भी लग के आते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको ये वाला एक फिल्टर यहाँ पे होता है, ये फिल्टर को आपको निकाल के साफ कर लेना है इसके अंदर। ठीक, अगर फिल्टर साफ रहेगा तो पानी अच्छे से आएगा, अगर नहीं पानी स्लो स्लो आएगा तो इस पर आपका कुछ टाइम के बाद आईए का एरर आना शुरू हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है।